एक ब्लैक होल एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आप बहुत सारा मास एक बहुत ही छोटी सी स्पेस में कंप्रेस कर दोगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, राइट? वेल, मैथमेटिकली स्पीकिंग कोई भी चीज एक ब्लैक होल बन सकती है। आप, मैं, आपका फोन या कंप्यूटर, हमारा अर्थ या कुछ भी, हर एक ऑब्जेक्ट का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें अगर उस ऑब्जेक्ट के एटम्स के बीच की सारी एम्प्टी स्पेस निकाल दें तो उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। ऑब्जेक्ट्स के ये मैथमेटिकल स्टेट को कहते हैं द श्वार्ट्जचाइल्ड रेडियस। तो अब हमें एक आइडिया है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या करते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो क्योंकि सारा मास एक बहुत ही छोटी सी एरिया ऑफ स्पेस में कंप्रेस हो गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी। ग्रेविटी, जैसे हम जानते हैं, स्पेस में एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर होता है, तो वो कर्वेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स से वो एक ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करेगा। इसीलिए इतना ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल का किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को आसानी से नीचे पुल कर सकता है, और इस ग्रेविटी के इतने स्ट्रॉन्ग पुल से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स भी नहीं। लेकिन इतना ज्यादा मास इतने कम एरिया में कैसे कंप्रेस हो सकता है? ऐसा नॉर्मली तो हमें नहीं देखने मिलता। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं जब कोई बड़ा स्टार मरता है। हर स्टार, इंक्लूडिंग आवर सन, की एक लिमिटेड लाइफ होती है। जितना बड़ा स्टार होगा उतनी कम उसकी लाइफ होगी, क्योंकि वो उतना ज्यादा एनर्जी बर्न कर रहा है हर सेकेंड। तो अब स्टार्स ब्लैक होल्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं? हर स्टार में दो प्राइमरी फोर्सेस होते हैं जिनका बैलेंस स्टार को जिंदा रखता है। स्टार्स बेसिकली होते हैं हाइड्रोजन के एटम्स जो बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं, और इस संगठन की ग्रेविटी उनको बीच से खींच रही है। इससे उस स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जहां उस स्टार की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को अपने कोर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, और उसकी वजह से वो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर बनते हैं हीलियम के एटम्स। बट ये रिएक्शन में बहुत सारा एनर्जी क्रिएट होता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस जो बेसिकली स्टार्स के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकल रहे हैं, ये एक तरह का ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट करते हैं ग्रेविटी के लिए, जो बाहर से एटम्स को अंदर खींच रहा है। ये बैलेंस रेडिएशंस और ग्रेविटी का होता है एक स्टार। अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो स्टार कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्चुअली इसी रीजन से भी ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं। जो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि उनकी ग्रेविटी दूसरे स्टार्स की ग्रेविटी के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा होती है, वो बहुत तेजी से अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। अब ये स्टार्स कॉन्स्टेंटली फ्यूज करते हैं हाइड्रोजन के एटम्स, और इस वजह से उनके कोर में बहुत से नए एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। सारे रिएक्शंस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, बट एक रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। ये रिएक्शन में एटम्स कंबाइन होते हैं आयन यानी कि लोहे के एटम्स बनने के लिए, और इस रिएक्शन में एनर्जी जरा भी नहीं रेडिएट होती है। इससे वो सारा आयन स्टार के कोर में कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। फिर धीरे धीरे कोर में आयन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और ग्रेविटी और रेडिएशंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि रेडिएशंस का फोर्स अब इस ग्रेविटी को नहीं संभाल पाता है, और उस स्टार का कोर पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। सेकंड के कुछ हिस्से में वो स्टार इम्प्लोड हो जाता है और पूरा मास अपने कोर में खींचने लगता है। इस फिनोमेनन में इतना प्रेशर और हीट रहता है कि यूनिवर्स के सारे हैवी एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और वो स्टार या तो बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार, या फिर बहुत बड़ा स्टार हुआ तो सारा मास कोलैप्स हो जाता है एक छोटे से एरिया में, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। तो जब हम ब्लैक होल की तरफ देख रहे होते हैं, जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसे कहते हैं द इवेंट होराइजन। ये डार्क ब्लैक इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइट भी इसकी ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर सकती। तो अगर ब्लैक होल के ब्लैक पार्ट को कहते हैं इवेंट होराइजन, तो उसके होल यानी कि खड्डे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वेल, उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं कि यहाँ क्या है, सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि सारा मास एक इन्फिनिट डेंसिटी पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो चलिए अब हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम एक ब्लैक होल में कूद जाए तो। तो जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड करती है। जो स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट हमें कहीं लाइट ईयर्स दूर से आ रही है, उन्हें हमारी सन की ग्रेविटी बेंड करती है, और इससे वो स्लाइटली अपने रियल लोकेशन से हटके दिखते हैं। अगर ग्रेविटी कहीं गुना बढ़ गई तो लाइट हमें कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर सन की जगह एक मैसिव गैलेक्सी या फिर एक ब्लैक होल हमारे सामने होता तो उसके पीछे से आने वाली लाइट हमें कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड दिखती। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, बीच में रेड गैलेक्सी है और उसके पीछे ब्लू गैलेक्सी। तो ब्लू गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुँचने से पहले रेड गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा और इसीलिए हमें वो ब्लू गैलेक्सी एक रिंग की तरह कर्व्ड दिखेगी। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ग्रेविटी लाइट पे ये असर डालती है, देखते हैं कि हमें ब्लैक होल में कूदने पर क्या दिखाई देगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ब्लैक होल सारा लाइट डिस्टॉर्ट कर रहा है और धीरे धीरे हमारा फील्ड ऑफ व्यू अंधेरे में कन्वर्ट हो रहा है। फिर कुछ देर बाद ही हमें जो भी दिखाई दे रहा है उसमें से आधा भाग में अंधेरा हो जाएगा। हम पहुंच गए होंगे जिसे कहते हैं दी फोटोन स्फीयर। यहाँ बेसिकली ब्लैक होल ना तो लाइट को तेजी से पूरी तरह से अंदर खींच पा रहा है और ना कि उसे अपने ऊपर से गुजरने दे पा रहा है। इस एरिया में लाइट बेसिकली ऑर्बिट कर रहा है ब्लैक होल को। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि लाइट ऑर्बिट कर रहा है ब्लैक होल को, तो ब्लैक होल में गिरते वक्त अगर हम हमारे साइड में देखेंगे तो हमें हमारा ही पीछे का हिस्सा दिख सकता है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट होके पूरा घूम के हमारे ही आंखों के सामने आ सकती है। अब जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी वॉर्प करता है, तो अगर कोई हमें ब्लैक होल में जंप करते देख रहा है उसे ये नहीं दिखेगा कि हम तेजी से अंदर खींचे चले जा रहे हैं, बट उसे दिखेगा कि हम बहुत ही स्लोली ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही हम इवेंट होराइजन पहुंचेंगे हमसे और हमारे सराउंडिंग से आती हुई लाइट उसे लाल रंग की दिखेगी और फिर कम्प्लीटली गायब हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए बात कुछ अलग होगी। हमें बाहर यूनिवर्स से आती लाइट स्लोली एक छोटे सर्कल में ट्रांसफॉर्म होते दिखेगी और जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा टाइम तक हम ये दृश्य देख पाएंगे और उसके कुछ देर बाद बात कुछ और ही रहेगी। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि थोड़े से भी डिस्टेंस के डिफरेंस में प्रेशर में हजारों गुने का डिफरेंस रहेगा। इससे होगा ये कि हमारे लोअर बॉडी पे जो ग्रेविटी का पुल रहेगा वो हमारे सर पे जो ग्रेविटी का पुल है उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा रहेगा। ये फोर्स लिटरली हमारे बॉडी के हर एक एटम को रिप कर डालेगी और हमारे बॉडी के सारे एटम्स का एक स्ट्रेट लाइन जैसे बना देगी। इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट कहते हैं स्पगेरिफिकेशन, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे पार्टिकल्स उधड़ के इतने स्ट्रेच हो जाएंगे कि हम एक स्पगेरी जैसे दिखने लगेंगे जब तक हम सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंच जाए, जहां सब चीज एक छोटे से पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये पॉइंट का मास डेंसिटी थियरी के हिसाब से इन्फिनेट होगा। तो बेसिकली ये होगा अगर हम ब्लैक होल्स में कूद गए तो। अब ब्लैक होल्स एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उनके आसपास की चीजों को अंदर सक नहीं करते, आपको उसके बहुत करीब होना पड़ेगा उसकी ग्रेविटी को आपको अंदर पुल करने के लिए। तो लकीली जब तक हम उनसे अपनी दूरी बनाए रखें तब तक हम सेफ रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो साइंस और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।